जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 अनाज एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो जब भी आप सरकारी अस्पताल जाते हैं इलाज के लिए तो दवाइयां लेने या तो आप डिस्पेंसरी जाते हैं या तो आप एम्बुलेंस की सुविधा को भी कई बार प्राप्त करते होंगे। तो ये है NHM नेशनल हेल्थ मिशन के सभी जो है कर्मचारी जो या तो एम्बुलेंस डिस्पेंसरी से जुड़ी हुई कई सारी सेवाएं देते हैं और लगभग जिंदगी के एक बड़े अंतराल से 20-25 सालों से ये सर्विसेज देते आ रहे हैं। लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज पेन डाउन किया जा रहा है। 2 घंटे का पेन डाउन करनाल के सरकारी अस्पताल में भी हो रहा है और ये प्रदेश भर में चलने वाला है। मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदेशों पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग शहरों में सरकारी अस्पताल में NHM के जितने भी ये कर्मचारी हैं ये इस तरीके से प्रोटेस्ट पे रहेंगे और आज 2 घंटे कोई भी सेवा इनकी ओर से आम नागरिक को नहीं मिलेगी। और इनकी कल मीटिंग होने वाली है सरकार के साथ पंचकूला में, जहाँ पे प्रदेश भर से ये लोग जाएंगे और उसके बाद अगर निर्णय बनता है तो सही, नहीं तो हो सकता है कि ये पेन डाउन बढ़ के 2 दिन का हो जाए। तो एक बार इनसे बातें करेंगे, इनकी मांगों को जानेंगे, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्या आखिर काम छोड़ के पेन डाउन करने को इनको मजबूर होना पड़ा। सर क्या कुछ मांगे हैं, सबसे पहले अपनी मांगों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। एक तो हमारे को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मचारी हर साल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसके दबाव में शोषण करते हैं, अधिकारी डराते हैं, धमकाते हैं, यानी कि जो काम नहीं होते वो भी हमारे कर्मचारियों से NHM के कर्मचारियों से करवाते हैं ये इस चीज़ के दबाव में कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा, आपकी सेवाएं आगे बहाल नहीं की जाएंगी, जिसके डर के मारे हमारे कर्मचारियों के प्रति डर बना रहता है और अपना काम वो अच्छे प्रकार से नहीं कर पाता। और दूसरी हमारी मांग है सेवत पे कमीशन, जो मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी 2.5 साल पहले, वो आज तक लागू नहीं की, उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। कितने बोली गई थी उसमें, जैसे 6th पे कमीशन हमारे पास ऊपर लागू है, सर्विस बाय लाज हमारे को मिले हैं, SSA सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पे हमारे को बाय लाज मिले थे, सर्व शिक्षा अभियान को भी सेवत पे कमीशन का लाभ दिया गया, हमें वो लाभ अब तक नहीं दिया मतलब गया। मतलब लो में इन सब का जिक्र है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ भेदभाव है सरकार का, और 25-25 साल हमारे साथियों को सेवाएं देते हो गए, जबकि संविधान और न्यायालय का भी यह मानना है 4 या 5 साल से ज़्यादा आप किसी से ऐसा काम नहीं करा सकते जो लगातार चलता हो, लेकिन सरकार इस पर सुध नहीं लेती। हम सरकार को दिखाएंगे, अब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैसे मार्च में रिन्यू होता है, अभी 2 महीने बाद सरकार का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, वो हमारे द्वारा किया जाना है, हम भी कर देंगे फिर। तो बाकी सरकार के हाथ में है, क्या चाहती है, हमारे से सेवाएं लेना चाहती है या हमारे को सड़कों पर बिठाना चाहती है, सरकार के हाथ में है। हम तैयार हैं आंदोलन के लिए। आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, हाँ, पर आप चाहते हैं कि लंबे अंतराल का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले? हाँ जी, 58 साल तक हमारी जॉब सिक्योर की जाए, सभी कर्मचारियों की ये मांग है। तो प्रदेश भर से आज इस तरीके से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में आप लोग पेन डाउन कर रहे हैं? सभी जिलों में, सभी CHC PHC डिस्पेंसरी में आज पेन डाउन है, कहीं कोई काम NHM कर्मी नहीं कर रहा। पूरे हरियाणा में कुल कितने NHM के कर्मचारी? 17 और 18 हजार के बीच की संख्या है जो NHM कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। और करनाल शहर की बात करें, यहाँ कितने? यहाँ पे 700 कर्मचारी हैं NHM के। तो 2 घंटे का पेन डाउन रहेगा? बिल्कुल, 10 से 12 बजे तक आज पेन डाउन है, और अगर सरकार इससे भी मतलब आगे हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो और भयंकर रूप लेगा आंदोलन, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कल सरकार के साथ मीटिंग भी है आपके? हाँ, MD NHM ने बुलाया है, लेकिन MD इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है जो हमारी मांगों को मतलब पूरा कर सके, या तो सरकार गोलीबाजी देने के चक्कर में टाइम पास कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ये ऐसा जो पिछले 5-6 साल से चल रहा है, अभी संगठन जल्दी कोई बड़ा फैसला लेने वाला है जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। बिल्कुल, 700 से 800 ये बता रहे हैं कि कर्मचारी जो हैं वो हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। तो काफ़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी सालों से ये आप काम कर रहे हैं लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है।
हाँ जी मैम, हमें नहीं मिल रहा है। मेरी ज्वाइनिंग तो 2011 की है, लेकिन मेरे से पहले भी मेरे सीनियर्स हैं जो बहुत पुराने लगे हुए हैं, कुछ तो रिटायर भी हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिला है। समान काम समान वेतन की हमने जो डिमांड 2016 में अभियान चलाया था, उसको हमें 2018 में सरकार ने दिया, लेकिन उसके बाद हमारी अनाउंसमेंट हुई थी कि हमें 7th पे का लाभ दिया जाएगा, जो कि हमें अभी तक नहीं दिया गया। तो अभी हमारे जो माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और उन्होंने ये अभियान चलाया कि अब दोबारा से सरकार को हमें चेत करें कि हम अपनी समान काम समान वेतन अपना अधिकार जो हमारा हम उसे लेकर रहेंगे। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि समान काम समान वेतन की मांग की जा रही है। बोला जा रहा है 58 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सर, और अगर सपोज नहीं निर्णय निकलता तो आगे भी हो सकता है कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। कब से इन मांगों को उठा रहे हैं आप? हम तो हमारे तो कर्मचारी जो है ना, जब से लगे हैं उनको मिला ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट दे के हर साल उनको जो है ना आगे काम लिया जाता है, तो परमानेंट सिक्योरिटी तो उसकी जॉब की तो सिक्योरिटी है ही नहीं। अभी मैं अपने ड्राइवर, जैसे हमारे ड्राइवर होते हैं या कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है, सपोज करो उसको 3 लाख रुपये दे के एक्सक्रेसिया और घर भेज दिया जाता है, उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा, उसकी तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो उसकी फैमिली के साथ जो है ना एक न्याय हो, उसके लिए ग्रेजुटी और दूसरा जो रिटायरमेंट पे ग्रेजुटी राज्य जो स्टेट के कर्मचारी होती हैं, जिस तरह से उनको लाभ मिलते हैं, इस तरह के लाभ उनको भी मिलने चाहिए। मेडिकल की सुविधा नहीं है कोई भी, मेडिकल में होते हुए अगर हमारा कोई कर्मचारी बीमार हो जाए 10 दिन के लिए, तो उसको जो है ना तनख्वाह कटवानी पड़ती है 10 दिन के बाद, 10 दिन की मेडिकल लीव मिलती है बस, उसको कोई और कोई सहायता उसको मिलती नहीं है कि भाई मेडिकल का कोई बेनिफिट मिले। सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि आयुष्मान के कार्ड आपके भी बनाए जाएंगे, वो आज तक नहीं बने। तो सारी मांगे जो है ना जायज हैं सारे कर्मचारियों की। और सर, आपको नहीं लगता कि 2 घंटे के पेंडाउन से जो आमजन है वो काफ़ी परेशान होगा, उनको काफ़ी तकलीफ पहुंचेगी जब सुविधाएं सब समय पे नहीं मिलेंगी? देखिए, अभी हमने कोई भी इमरजेंसी सेवा, हमारी चाहे स्टाफ नर्सें हैं, जो भी इमरजेंसी लेबर रूम की और इस तरह की कोई भी सेवाएं या एम्बुलेंस की कोई भी इमरजेंसी सेवा हमने बाधित नहीं की है, जो 24/7 हुई है। अभी हमारा तकरीबन क्लेरिकल स्टाफ और वो जो ऑफ पे है जिन लोगों का, वो अभी पेन डाउन में है। लेकिन जब अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं आज का सांकेतिक ये डिसीजन लेके कि भाई या तो सरकार हमारी मांगों पे गौर कर ले, अन्यथा जो है ना स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, और जिसके लिए सरकार और अधिकारी जिम्मेवार होंगे। कुल 17,000 से 18,000 NHM के कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश भर में, जो कि आज पेन डाउन कर रहे हैं। करनाल जिले की अगर मैं बात करूं तो 700 से 800 कर्मचारी यहां पर भी हैं जो 2 घंटे का पेन डाउन कर रहे हैं। 10 से 12 बजे की ये हड़ताल रहने वाली है, और मुख्य तौर पे जो मांगे उठाई जा रही है वो ये है कि इनको सबसे पहली बार जो है 58 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। ईयरली इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लागू होता है। इनका कहना, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो थे वो प्रदेश को देख रहे थे, उस वक्त कुछ लोज में इनको जो है कुछ कुछ लाभ देने की बातें हुई थी, जैसे 7th पे का लाभ ये मांग रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं वो अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन हमें वास्तविकता में वो सब नहीं मिला है। उसके अलावा मेडिकल की सुविधा हो, या फिर अचानक से अगर किसी की डेथ हो जाती है उनको क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है, उन सब के ऊपर भी एक सवाल इनके द्वारा उठाया जा रहा है। अभी देखिए, 2 घंटे के लिए ज़रूर उन्होंने सेवाएँ बंद कर दी, लेकिन इनका कहना जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो अभी भी दी जा रही हैं। लेकिन ये एक सांकेतिक पेन डाउन है, एक सांकेतिक धरना है। कल इनकी मुलाकात होने वाली है पूरे प्रदेश भर से सभी NHM के जो कर्मचारी, वो अलग अलग जिलों से पहुंचने वाले हैं पंचकुला में, वहां पे जो है मुलाकात होगी। अगर इनका कोई फैसला निकलता है तो ठीक है, नहीं तो इनका कहना ये सांकेतिक धरना है, और उसके बाद जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो प्रभावित भी हो सकती है आने वाले समय में। हो सकता है कि ये जो पेन डाउन का एक निर्धारित इंटरवल है ये बढ़ जाएगा, और हो सकता है 2 दिन का पेन डाउन भी हो जाए। तो बस अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।